और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी ने सीसामो सीट से प्रत्याशी उतारा है। सीसामो से सुरेश अवस्थी ने को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और देखिए, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। सीसामो विधानसभा सीट से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और यहां से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर की सीसामो विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है सीसामो विधानसभा सीट से। तो देखिए, सुरेश अवस्थी प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कानपुर की सीसामो विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है सुरेश अवस्थी को। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी घोषणा की है और सुरेश अवस्थी का मुकाबला यहां पर देखिए नसीम सोलंकी के साथ होगा। तो एक कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सीसामो विधानसभा सीट से भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है और सुरेश अवस्थी को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। देखिए, बीजेपी ने सीसामो सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं सीसामो विधानसभा सीट से। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सीसामो विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, अब देखिए, सीसामो सीट से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है और सुरेश अवस्थी को यहां से मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, सीतामऊ से बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है और सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सुबह 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक सीट मीरापुर खाते में, आरएलडी के खाते में गई थी। मीरापुर से भी अब कैंडिडेट की घोषणा रालोद ने कर दी है, तो यानी 8 और 1 सीसामऊ जो बची हुई सीट थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। तो कुल मिलाकर 9 सीटों पर अब प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ये सीट टफ सीट मानी जाती है और इसीलिए सोच समझ के मंथन के बाद सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और सूची भी जारी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका जानकारी के लिए।